Hello everyone, you're watching Top Finest Education, and in this video we are going to discuss the important MCQs with explanation of chapter number 8, A Trait for Mosquitoes. So let's begin. The first question is, which of the following mosquito bite causes malaria? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है। फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन उस मच्छर का नाम बताना है जिसके काटने से मलेरिया होता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एनिफेलिस मॉस्किटो, ऑप्शन बी कुलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। The bite of female Anopheles mosquito causes malaria. तो हर मच्छर के काटने से नहीं, सिर्फ female Anopheles mosquito काटती है तभी मलेरिया होता है। फ्रेंड्स, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि हर मच्छर एक जैसे ही दिखाई देते हैं और अगर मच्छर काटते हैं तो मलेरिया होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मच्छरों के भी बिहेवियर और उनके अपीयरेंस के हिसाब से उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक एडीज मॉस्किटो, कुलेक्स मॉस्किटो एंड एनिफेलिस मॉस्किटो। एंड डिफरेंट मॉस्किटो बाइट जो है वो डिफरेंट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। एंड अगर हम स्पेसिफिकली मलेरिया के बारे में बात करें तो सिर्फ फीमेल एनिफेलिस मॉस्किटो अगर बाइट करी है तभी मलेरिया होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज, बेबी मॉस्किटोज आर नोन एज डैश। द ऑप्शंस आर ए लावा, बी प्यूपा, सी एम्ब्रायो या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द बेबी मॉस्किटोज आर नोन एज लावा। तो मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ कि लावा कैसा दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से जो है बेबी मॉस्किटोज दिखाई देते हैं। जो बेसिकली जो मच्छर होते हैं वो अपना अंडा जो होता है वो स्टैग्नेंट वाटर में देते हैं, एंड वो फिर बाद में जाके लावा में डेवलप होते हैं। जो लावा होता है वो बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो बेसिकली यहाँ पे जूम करके दिखाया गया इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, पर अगर आप इसे ऐसे वाटर में देखेंगे तो ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। तो जो बेबी मॉस्किटोज होती है वो लावा होती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय मॉस्किटो बाइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए मलेरिया, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया एंड ऑप्शन डी कॉलेरा। सो अगर हम मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में बात करें तो ये तीनों के तीनों डिजीजेस मच्छर के काटने से होती है, लेकिन कॉलेरा एक ऐसा डिजीज है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज कॉलेरा। So cholera is not caused by mosquito bite. As here you can see in the image also that dengue, malaria and chikungunya is something which is caused by mosquito bite. On the other hand, when we talk about cholera, cholera is caused by contaminated water and food containing bacteria called Vibrio cholerae. So कॉलेरा कब होता है? जब आप गंदा फूड या पानी लेते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रो कॉलेरा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड दैट द मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। सो दिए गए ऑप्शन में से किसने ये डिस्कवर किया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है? द ऑप्शंस आर ए विलियम जोन्स, बी मैरी कनिंगहम, सी रोनाल्ड रोस या फिर डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज रोनाल्ड रोस। सो रोनाल्ड रोस डिस्कवर्ड दैट द मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, दिस इज द picture of Ronald Rose, and जो रोनाल्ड रोज थे उन्होंने ही पता किया था
कि किस तरीके से मलेरिया जो है वो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, और इसी काम के लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पहले जो लोग थे वो बहुत सारे लोग जो थे वो मलेरिया की वजह से इफेक्ट होते थे, बहुत लोगों के डेथ भी हो जाती थी। और नॉर्मली इस तरह की डिजीज जो है वो ऐसे एरिया में देखने को मिलती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी या फिर वो वाटर साइड एरिया हुआ करता था। लोग ऐसा सोचते थे कि ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि पॉइजनस गैस जो है जो डर्टी स्वैम्पी एरिया से आ रही है उससे इफेक्ट होकर लोगों को मलेरिया हो रहा है। लेकिन बाद में रोनाल्ड रोज जो है वो डिस्कवर करते हैं कि मलेरिया जो है वो बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो बाइट। बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी स्टोरी। ये क्या करते थे, मॉस्किटो के पीछे भागा करते थे एंड देन उनके स्टोमक को कट करके उसके अंदर पीप क्या करते थे। और एक दिन उन्हें पता चला कि उसके अंदर भी वही सेम बैक्टीरिया है जो कि एक मलेरिया पेशेंट में मिलते हैं। और इसके बाद ये प्रूफ हो गया कि मॉस्किटो बाइट से मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, पाउडर बार्क ऑफ डैश इज यूज्ड टू मेक टैबलेट्स टू ट्रीट मलेरिया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उस पेड़ का नाम बताना, उस ट्री का नाम बताना है जिसके बाग का यूज करके टैबलेट बनाया जाता है एंड उस टैबलेट को मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पीपल, बी मैंगो, सी नीम एंड द ऑप्शन डी इज सिंकोना। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सिंकोना। जी हाँ दोस्तों, जो सिंकोना का पेड़ है जैसे कि आप यहाँ में इमेज में भी देख सकते हैं, दिस इज द ट्री ऑफ सिंकोना एंड इसका बार्क्स का यूज करके एज हियर यू कैन सी इन द इमेज आल्सो, दीज आर द बार्क्स ऑफ सिंकोना ट्री। इसके बार्क्स का यूज करके क्या करते हैं, हम टैबलेट बनाते हैं, ठीक है। सो ये टैबलेट जो होती है ये मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और वैसे भी सिंकोना ट्रीज होती है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है क्योंकि ये जो एपेटाइट होती है उसको इंक्रीज करने में हमको हेल्प करती है, साथ ही जो डाइजेस्टिव जूसेस होती है उसको प्रमोट करने में, इसके जो जो रिलीज होता है डाइजेस्टिव जूस उसको वो प्रमोट करती है एंड जो भी हमारा स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको ये डील करने में हेल्प करती है। तो सिंकोना ट्री बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए। तो चलिए अपने सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो द सिक्स क्वेश्चन इज, स्टैग्नेंट वाटर इज यूजुअली डर्टी बिकॉज। तो जो रुका हुआ पानी होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसे यूजुअली हम कहते हैं कि ये गंदा है क्योंकि इट इज फुल ऑफ लोटस। ऑप्शन बी, इट इज फुल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। सी, मॉस्किटोज ब्रीड इजिली, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, स्टैग्नेंट वाटर इज यूजुअली डर्टी बिकॉज मॉस्किटो ब्रीड्स इजिली इन स्टैग्नेंट वाटर। एज यू हियर यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, जो मच्छर होते हैं वो फ्लोइंग वाटर में कभी भी अंडे नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो पानी है उसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है और जो उनके अंडे हैं वो भर के चले जाते हैं। लेकिन स्टैग्नेंट वाटर एक ही जगह पे रहता है तो वहां पे जो उनका ब्रीडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही आराम से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। सो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रॉपर ऑर्डर है लाइफ साइकिल मॉस्किटो में। ऑप्शन ए, एग, then it develops into larva, larva into pupa and then pupa develop into adult mosquito. B, egg, then pupa, larva and then adult mosquito. C, fetus develop into baby, baby develop into child and then child become mosquito. Ya fir option D, embryo develop into egg, egg develop into larva and the larva develop into mosquito. So the correct order is in option A. So here
As you can see in the image also, the female mosquito hatches their egg in the stagnant water, and then the egg further develop into larva, larva develop into pupa, and then pupa further become adult mosquito. As here you can see in the life cycle of the mosquito also. So according to this cycle, the option A will be the correct answer. Now let's move to the question number 8. Question number 8. Kerosene oil is used for preventing the growth of mosquito larva because kerosene oil का use किया जाता है जिससे कि mosquito के जो baby होते हैं उनका growth नहीं हो पाता है क्योंकि the reasons are option A, it disconnects mosquito larva from atmospheric oxygen, B, it burns the mosquitoes, C, it acts as a mosquito repellent, या फिर option D, none of the above. So the correct option will be option A. The kerosene oil is used for preventing the growth of mosquito larva because it disconnects mosquito larva from atmospheric oxygen. So here you can see in the image also that how the people are pouring kerosene oil so that there will be no growth of mosquito larva all around. एंड ऐसा क्यों करते हैं जनरल जो लोग होते हैं कहा जाता है कि केरोसिन ऑयल या देन पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल आप क्या कर सकते हैं सरफेस पे स्प्रे कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है लावा का ग्रोथ नहीं हो पाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है राइट. इन द सिमिलर वे जो मॉस्किटोज हैं उनको भी अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है. लेकिन जो केरोसिन ऑयल होती है या फिर पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल होता है ये क्या करता है उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन उन तक पहुंचने नहीं देता है जिसकी वजह से उनको सफोकेशन होने लग जाता है एंड फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नाइंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. सो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे कि पता चल जाता है कि एक पर्सन को मलेरिया है. So the option A is nausea, B vomiting, C headache, या फिर option D all of these. तो yes, nausea is one of the symptom of malaria. जब एक person को malaria होता है तो vomiting भी होती है. So ये option भी बिल्कुल सही है and headache भी होता है तो ये वाला option भी सही है. तो इस हिसाब से तो option D will be the correct answer. क्योंकि नोजिया वोमिटिंग एंड हेडेक ये तीनों के तीनों सिम्टम्स देखे जाते हैं जब एक पर्सन को मलेरिया होता है. भाई अगर हम और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो एक पर्सन को जब मलेरिया होता है तो उन्हें हेडेक होता है, फैटीग फील करते हैं, नोजिया एंड देन वोमिटिंग भी करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, फीवर भी होता है एंड जो उनका उनके बॉडी में काफ़ी पेन होता है, मसल्स में काफ़ी पेन होता है. तो एक उस लक्षण है जिसे हम पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को मलेरिया होने के चांसेस हैं. तो चले चलते हैं 10th क्वेश्चन पर. नाउ द 10th क्वेश्चन इज अ डैश इज अ पर्सन हु टेस्ट चेक एंड रिपोर्ट अबाउट द ब्लड सैंपल. तो उस पर्सन को क्या कहते हैं जो कि टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं अबाउट द ब्लड सैंपल. सो द ऑप्शंस आर ए डेंटिस्ट, बी वेटरिनेरियन, सी पैथोलॉजिस्ट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. अ पैथोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु टेस्ट चेक एंड रिपोर्ट अबाउट द ब्लड सैंपल एज हियर यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो. तो इस तरीके से क्या करते हैं जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्लड टेस्ट करते हैं एंड ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता होगा कि वो मलेरिया के बारे में भी पता कर देते हैं ठीक है. एंड वही अगर हम डेंटिस्ट एंड वेटेरिनेरियन के बारे में बात करें तो डेंटिस्ट कौन होते हैं. डेंटिस्ट होते हैं वो पर्सन जो कि ट्रीट करते हैं डिजीजेज, बेसिकली ये टीथ एंड गम्स रिलेटेड जो भी डिजीजेज होते हैं उसको उसके लिए वो ट्रीटमेंट करते हैं. एंड वेटरिनेरियन क्या होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि
एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, लाइक डॉग्स हो गए, कैट हो गए, इनके अंदर कोई बीमारी होती है तो उनको ठीक करने वाले डॉक्टर को हम वेटरिनेरियन बोलते हैं, ठीक है। और अब आप जाएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट जिससे कि जो ये पैथोलॉजिस्ट है जो ब्लड सैंपल्स को चेक करते हैं एंड फर्दर रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 11th क्वेश्चन इज एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी। तो एनीमिया दिए गए ऑप्शन में से किसकी कमी से हमारे शरीर में होती है। एनीमिया इज बेसिकली इज द नेम ऑफ अ डिजीज। सो द ऑप्शंस आर ए आयरन, बी गोल्ड, सी सिल्वर या फिर ऑप्शन डी जिंक। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। सो आयरन की जो कमी होती है हमारी बॉडी में उसकी वजह से हमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एंड अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कैसे पता चलता है कि एक पर्सन को एनीमिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, पर्सन जो है उसकी एनर्जी काफी कम हो जाती है एंड देन उनका जो हार्ट रेट होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, हेडेक रहता है, डिजीनेस फील होता है, चक्कर आता रहता है एंड चेस्ट पेन होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जब किसी पर्सन को एनीमिया होता है। और आगे बात करें तो एनीमिया जब होता है तो उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल की जो है वो कमी हो जाती है, वो एनफ जो है हमारी बॉडी में नहीं रह पाते। रेड ब्लड सेल क्या है और क्या करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप जनरली जब ब्लड देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो ब्लड है वो रेड ब्लड का है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा रेड रेड कलर का। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, वन इज रेड ब्लड सेल, अनदर इज व्हाइट ब्लड सेल, एज यू कैन सी हियर आल्सो, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल होता है वो क्या करता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है एंड उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन हमारे लंग से ऑक्सीजन को लेके जाता है और हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, उसको कैरी करके लेके जाता है, मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स में क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। लेकिन जब किसी पर्सन को एनीमिया हो जाता है तो उनके बॉडी में, उनके ब्लड में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको एनीमिया के सिम्टम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि जब एनीमिया होता है तो बॉडी में रेड ब्लड सेल ठीक से नहीं बन पाते। Thanks for watching our video. If you like our video, then hit a like icon, share it with your friends, and if you have not subscribed it yet, then subscribe it for further notifications. See you then next time.